हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय वीडियो। और स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हमारी टीम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही है। और उस क्वेश्चन में जो भी सही और राइट कमेंट करेंगे उनको हमारी टीम एक प्राइज देगी, और वो प्राइज होगा 100 रुपीज़ पेटीएम कैश। वाओ! और देखिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ नियम शर्तें क्या हैं। आपको कमेंट में राइट आंसर करना है जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका, और इसके बदले में हम आपको 100 रुपीज़ पेटीएम कैश देंगे। ओके, और इसको रैंडमली चूज़ किया जाएगा हु विल बी द विनर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अब देखिए, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट देर आर हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 30 स्टेट्स, ऑप्शन बी 29 स्टेट्स, ऑप्शन सी 28 स्टेट्स एंड ऑप्शन डी 27 स्टेट्स। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, और जो जीतेगा उसको 100 रुपीज़ पेटीएम कैश इंस्टेंटली दिया जाएगा। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिनको हम बड़े चाव से खाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं रसगुल्ला, आप सभी ने खाया होगा, समोसा, पकौड़ी और गोलगप्पे, यहाँ ये तो लड़कियों की फेवरेट डिश होते हैं। और लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन सभी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर नहीं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये ज़रूर जानते हों, लेकिन अगर कभी आपने नहीं सोचा तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और आज हम यही जानने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे भी कुछ लोग तो जानते ही होंगे। हाँ, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और प्लीज़, अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए। आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर समोसा है, और इस समोसे को इंग्लिश में हम कहते हैं रिसोल। समोसे को इंग्लिश में कहते हैं रिसोल। वैसे मैं आपको एक बात और क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ कि समोसे के लिए वैसे कोई स्पेसिफिक इंग्लिश नहीं है, बट समवेयर सम पीपल यूज टू इट। जब समोसे को उन्हें इंग्लिश में बोलना होता है, समोसे को जनरली हम स्नैक्स के अंदर ही कंसाइडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी लाइन में बात आती है हमारे के जो पकौड़ी होती है, पकौड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो व्यूअर्स, पकौड़े या पकौड़ी को फ्रिटर्स कहते हैं, आप इसको ध्यान रखना, पकौड़ी को फ्रिटर्स कहते हैं, FRITTERS। आई होप के आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलेबी, वाओ, मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया। चलिए जानते हैं जलेबी को क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, जलेबी को कहते हैं फनल केक। जलेबी को कहते हैं फनल केक, आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, जलेबी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फनल केक। और उसके बाद आता है सबसे फेवरेट डिश जो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, और वो कोई और नहीं, वो पानी पूरी है, वो गोलगप्पे हैं। और गोलगप्पे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत इजी है, वाटर बॉल्स। गोलगप्पों को इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉल्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं कि उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आप इसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।